हेलो दोस्तों, पी टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि हमारा कंप्रेसर किन किन रीजनों से हीट होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये देखिए, ये हमारा अंदर कूलिंग करता है, इसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है, ट्रिप हो रहा है हीट होकर। किन किन रीजन से ट्रिप हो रहा है, तो चलिए दोस्तों हम फ्रिज को पीछे लेके चलते हैं, आपको फ्रिज के पीछे ले जाकर दिखाते हैं कंप्रेसर की हमारा प्रॉब्लम इस वीडियो में क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो कंप्रेसर है ना, बहुत ज़्यादा हीट है, इस पर ना हाथ रखा नहीं जा रहा है, इतना ना हीट हो गया है। तो इसके में हम क्या करेंगे ना, इसमें हमारा जो एम्पियर मीटर लगा चेक करेंगे कि इसमें कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, 5+ में एम्पियर कुछ ले रहा है इसका, देखिए 5+ एम्पियर ले रहा है। तो इसका मतलब 2-3 रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इसका जो रिले है ना, रिले भी ख़राब हो सकता है, या फिर ये ऑयल फेंकने लग जाए ना, उस टाइम में भी हीट ज़्यादा होता है। तो इससे तो हमको क्लियर हो गया ना, एम्पियर मीटर लगाने से क्लियर हो गया कि इसका जो है या तो अंदर से कॉइल शॉर्ट है, या फिर ये एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, किन किन रीज़न से एम्पियर ज़्यादा ले रहा है ये। तो इसमें जो समस्या है ना, रिले का है, जो ये रिले है इसमें ये शॉर्ट हो गया है, अंदर से ही अंदर रनिंग स्टार्टिंग में एनी टाइम शॉर्ट रह रहा है, इसी कारण से जो हमारा कंप्रेसर है वो हमारा एम्पियर ज़्यादा ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मतलब रिले चेंज करके देखते हैं कि इसमें जो हमारा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चेंज करके आपको एम्पियर दिखाते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने रिले चेंज कर दिया, तो 1+ में कुछ ना कुछ मतलब कि हमारा जो है वो चेंजिंग आ गया है, और ये जिसका कूलिंग मेंटेनेंस होगा ना, तो इसका एम्पियर धीरे धीरे घटता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, अब 1+ में कुछ एम्पियर ले रहा है, तो हमारा ये इतना डबल डोर एम्पियर लेता है, तो हमारा ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अंदर भी जो हमारा कूलिंग देखते हैं, अंदर भी कूलिंग जो है ना वो कर रहा है थोड़ा थोड़ा, और जब ऊपर कूलिंग बढ़िया करने लग जाएगा ना, तो हमारा नीचे भी कुछ कूलिंग हो जाएगा। तो अब नीचे देखते हैं हमारा जो कूलिंग है हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है दोस्तों। और पीछे जो टाइमर है ना, इसमें हमने वायरिंग किया हुआ है ऊपर से, जैसे वायर जो है ना उसने पूरा कट कर दिया था चूहे ने, तो इसकी वायरिंग जो है ना हमने ऊपर से की हुई है। ये टाइमर लगाया हुआ है, हमने टाइमर लगाया हुआ है, ये हीटर के जब पॉइंट होता है ना तो थोड़ा सा हीट होता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हीटिंग मोड पे है। जो हमारा ये टाइमर लगा हुआ है ना, तो हमारा ये जब हीटर मोड पे होगा थोड़ा हीट होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा हीटिंग मोड पे है। तो जो हमारी ये वायरिंग है ना, हमने ऊपर से की हुई है। देखिए दोस्तों, हमने जो वायरिंग है ऊपर से की हुई है, ये टाइमर का जो होता है ना, इस पूरा इस डबल डोर में जो हमारा हीटिंग मोड पे और इस कूलिंग मोड पे जाने का काम करता है, टाइमर ही करता है, कमांड देने का काम करता है किस टाइम में क्या करना है। तो ये हमारी वायरिंग की हुई है ऊपर से, जैसे कि अंदर की वायरिंग चूहे ने काट दी थी, जैसे बॉडी को लगा कर इस मतलब कि एक साथ के जो तार आया होता है ना अंदर से, उसी को काट दिया था, तो इसीलिए हमने ऊपर से ही वायरिंग कर दी है। देखिए दोस्तों, और टेपिंग कर दिया ऊपर से कि हमारी जो वायर है वो सेफ हो जाएगी, ताकि हमको ये वायर दिक्कत ना करे, कोई प्रॉब्लम ना हो, या वायर कोई टूटे ना। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा कूलिंग हुई है या नहीं हुई है। हमारी कूलिंग